देखिए भाई, मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आप जो चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ोगे फोटोन थियरी, राइट। मैं रोड मैप में बता रहा हूँ। देखो एक्चुअल में आप क्या देखते हो। ओए आवाज नहीं, प्लीज आवाज नहीं। एटॉमिक और न्यूक्लियर, अगर तुम अच्छे से क्लासिफिकेशन करना चाहते हो ना अगले 3 चैप्टर की, वो ये है। सबसे पहले जो मॉडर्न फिजिक्स है, यहां पे पढ़ोगे फोटोन थियरी। फोटोन थियरी एटॉमिक में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब एटम के स्ट्रक्चर में आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है कि इसके एनर्जी लेवल्स, कौन सा एनर्जी लेवल किस लेवल में कितनी वेलोसिटी है ना, ये पढ़ा है ना तुमने पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी है। ई एन, आर एन, वी एन, मतलब कौन से ऑर्बिट की कितनी रेडियस है, तीसरे ऑर्बिट की रेडियस बताओ। अरे क्या प्रॉब्लम है, बोलो मत। पहले ऑर्बिट की रेडियस, दूसरे की ऑर्बिट, तीसरे की सॉरी तीसरे की रेडियस, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही जो 5वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी कितनी वेलोसिटी है ना, और 5वें ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है। तो ये सारा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ोगे। आपने यहाँ पे सीरीज पढ़ी है स्पेक्ट्रा की, लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे है ना, वो सारी यहाँ पे एटॉमिक में आएगी। न्यूक्लियर में क्या आएगा, न्यूक्लियर में आप इस चैप्टर को देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। मैं क्यों कह रहा था ये जल्दी हो जाएंगे, वो जल्दी का आप मैप देख लो कि जल्दी क्यों हो जाते हैं। और ये एक ही बारी में सारी चीजें याद हो जा रही हैं। फोटोन थियरी एक, मतलब फोटोन के बारे में पढ़ना है आपको। दूसरा, यहाँ पे जैसे ही आप फोटोन पढ़ोगे तो यहाँ पे आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सुना है सबने। और तीसरा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इस तरीके से ये पार्ट तो खत्म हो गया। ये इसका मतलब सिर्फ 3 टॉपिक हैं, एक क्लास में ये सारी चीजें हो जाती हैं, एक क्लास में ये हो जाती हैं, और एक क्लास आप इस डी ब्रोगली पे लगा दो, खत्म। उसके बाद एटॉमिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे देखा जाता है, केमिस्ट्री बताओ थोड़ा सा। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर जानना है तो आप उसके अंदर स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हो। जैसे 2 तरीके का स्पेक्ट्रा होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मतलब आपके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले लेवल में चले गए और एनर्जी रिलीज करके ऊपर से नीचे आ गए। जब दोनों में हमने क्या देखा, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो वो कुछ एनर्जी को जनरेट कर रहा है, मतलब एनर्जी छोड़ रहा है। क्यों, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। आपने क्या किया, उस एनर्जी को जो उसने रिलीज की उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व किया, और हमने देखा उस प्लेट के ऊपर लाइंस आ गई। और जब हमने उन लाइंस की स्टडी करी, उन लाइंस ने उस एटम के बारे में सब कुछ बता दिया। लाइक ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक्सरे स्पेक्ट्रा, सुना है कभी एक्सरे स्पेक्ट्रा, केमिस्ट्री में भी आता है। मतलब आप जैसे ये अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो लैब्स में क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़नी है, हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल फिजिक्स बोलते हैं इसको। तो आपने इसको क्या करवाया, एक्सरे के एनवायरमेंट में रखा, मतलब एक्सरे इससे इंटरेक्ट कराई, और उन चीजों को जो प्लेट्स पे ऑब्जर्व हुई, मतलब जो एक्सरे रिफ्लेक्ट होके आई, वो क्या करके आई, इसकी सारी इंफॉर्मेशन लेके आई। आपने उनकी स्टडी करी। आप ये जो एमआरआई वगैरह करवाते हो, इनमें आप क्या देखते हो, आपके दिमाग की एमआरआई, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, ये सारी चीजें इन्हीं पे बेस्ड होती हैं। तो वो किसी की भी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। तो ये एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने क्या पढ़ा, एक तो स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़नी है, स्पेक्ट्रल सीरीज एक, मतलब एक टॉपिक ये बन गया जिसके अंदर लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट, पीफंड ये सब आ रहे हैं। तो आपको बोलेगा इस लेवल से इस लेवल पे आया, बताइए कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई, वो आपने पढ़ा होगा रिडबर्ग फॉर्मूला, सुना है रिडबर्ग। तो वो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा जो आता है, 3 चीजें आती है बेटा, आर एन, वी एन और ई एन, बेसिकली तो यही आती है, आर एन, वी एन और ई एन। मतलब रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, वेलोसिटी इन एनथ ऑर्बिट, और ये एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट। ये चैप्टर खत्म, समझ गए, क्लासिफाई कर रहा हूं दिमाग में, अभी बिखरा बिखरा है सब कुछ। जिसने पहले पढ़ा है उसको ऐसे इस तरीके से अरेंज कर देना और अपनी कॉपी ऐसे रिवाइज करना। इसमें न्यूक्लियर में पहले क्या होता था, न्यूक्लियर फिजिक्स,
यहाँ पे एक बाइंडिंग एनर्जी आती है, जैसे सबसे पहले आप न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे और उससे रिलेटेड आती है बाइंडिंग एनर्जी। हर न्यूक्लियस की एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, और पहले इसमें टॉपिक आया करता था रेडियो एक्टिविटी, सुना है ना, यूरेनियम थोरियम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एक्शन, 10th क्लास में भी एनर्जी वाले चैप्टर में, मतलब 9th में आता था 10th में आता था, हाँ जब भी था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एटम इसमें न्यूक्लियस पढ़ना है एक, और इस न्यूक्लियस से रिलेटेड सिर्फ एक टॉपिक है सबसे मेन, उसका नाम है, मतलब आप इसको दो बना सकते हो, एक होता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये कर्व ऐसी कर्व होती है जो हर एटम के बारे में, हर न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, क्यों जल्दी टूट सकता है, नहीं टूट सकता है, कितनी एनर्जी दे सकता है, कितनी नहीं दे सकता है। और एक होता है मास का डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। तो आप इसको एक टॉपिक बनाओ, और दूसरा टॉपिक बनाइए आप इसको न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इसमें एक क्यू वैल्यू आती है, पढ़ी है भाई तुम लोगों ने, जिसने ये चैप्टर कर लिया, क्यू वैल्यू पढ़ी है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, ये क्यू वैल्यू आती है। देखो ये भी न्यूमेरिकल कराएगी, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, और आपको सिर्फ एक चीज देखने को मिलेगी इस चैप्टर में ना मेनली, ये देखो सबने ये फॉर्मूला सुना है इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, अकेला फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल कराएगा, मतलब यहां जो एम होता है ये डेल्टा एम होता है, मतलब मास का डिफेक्ट। यहां क्या लिखा है, रिएक्शन। आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में सिंपल भाई एक रिएक्टेंट साइड एक प्रोडक्ट साइड, आपने पहले देखा उनकी पहले एनर्जी कितनी थी, बाद में एनर्जी कितनी है, आपने देखा उनके मास में कुछ ना कुछ, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना, हाँ। अब लेकिन यहां मास का डिफेक्ट आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर, जो आप पढ़ते हो कोई भी रिएक्शन उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हो ना, रिएक्टेंट साइड का मास इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड का मास, लेकिन ऐसा इधर नहीं देखा, इधर मास का डिफेक्ट आया, और ये जो मास का डिफेक्ट आया इसी की एनर्जी से, मतलब देखो अगर मास का लॉस हो रहा है तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा वो मास कहाँ गया, तो इसका मतलब वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड। सो दैट इज योर थ्री नेक्स्ट थ्री चैप्टर्स, ये ऐसे चलेंगे भाई, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, यहां से। सबसे पहला टॉपिक है फोटोन, यहां पे आप इसको हेडिंग डालोगे फोटोन थियरी, ये कंप्लीटली थियोरेटिकल चीजें हैं, मैं यहां पे पॉइंट्स लिखाऊंगा, पहले सुनिए, अभी लिखवाऊंगा। देखो एक होता है ये फोटोन थियरी जो है वो एक तरीके से लाइट की थियरी है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां आती हैं, जैसे पहले कोई साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला जो लाइट है वो पार्टिकल है, फिर किसी ने बोल दिया कि वो वेव है, किसी ने बोल दिया पार्टिकल है। तो सबसे पहले बोला गया कि फोटोन जो लाइट है, लाइट पार्टिकल नेचर की है, मतलब लाइट एक पार्टिकल है। लेकिन उसके बाद एक आइगन साइंटिस्ट हुए हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ी आप लोगों ने, वेव ऑप्टिक्स में एक आपका टॉपिक आएगा उसका नाम होगा आइगन प्रिंसिपल। अब देखो ये एक ऐसा नाम है जिसका नाम तुमने 12 साल में अभी पहली बार सुना होगा इस साइंटिस्ट का, जैसे आइंस्टीन है, न्यूटन है, इनका सबने सुना है, लेकिन यहाँ पे जो आइगन थे उस टाइम पे भी ऐसा ही था, इसका नाम किसी ने सुना नहीं। जब वो थ्योरी आई कि लाइट पार्टिकल है, तो इसने अपनी थ्योरी दी और ये बोला कि नहीं ये तो वेव है, तो लोगों ने मानी नहीं। उसके बाद आइंस्टीन आया, आइंस्टीन ने भी, अब देखो आइंस्टीन है जैसे, न्यूटन है, इनकी सबसे खास बात आप देखोगे ना, ये हर चीज में घुसे हुए हैं, है ना, इन्होंने हर जगह हर फिजिक्स में जाके थ्योरी दी, हर चीज को इन्होंने देखा। तो आइंस्टीन ने बोला नहीं लाइट तो क्या है, पार्टिकल है, तो लोगों ने सोचा यार इतना जाना माना साइंटिस्ट है तो इसकी क्यों माने। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता था, फर्स्ट का मुझे नाम याद नहीं है, देख लेना गूगल कर लेना, क्या आइगन में, आइगन ने कहा वेव, थर्ड में आइंस्टीन ने कहा कि पार्टिकल, और फिर उसके बाद आया डी ब्रोगली, ये लिखा हुआ है डी ब्रोगली ड्यूअल हाइपोथेसिस, उसने बोला तुम सारे गलत हो, ये ना तो अकेला पार्टिकल है ना ये वेव है, ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है, और वहां से चीजें डेवलप होके आई। तो डेवलपमेंट समझ में आ रही है कैसे हुई है, पहले पार्टिकल बोला गया, फिर वेव बोला गया, फिर पार्टिकल बोला गया, और जब जैसे ही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आई फिर इसको पढ़ाया जाने लगा, ये तुम्हारी किताबों में टॉपिक बन गया कि आइगन ने कैसे कहा था कि ये वेव है, सही है। तो अब देखो जब लाइट ड्यूअल नेचर की है तो तुम्हारे को प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा,
ये प्रूव करो कि पार्टिकल है, प्रूव करो कि वेव है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाला इफेक्ट पढ़ा है, मैं जितना भी डिस्कशन आज की क्लास में कर रहा हूं ये तुम्हारी प्रायर नॉलेज के बेस पे कर रहा हूं, मतलब जो तुम्हें हल्का हल्का पता है। जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप इसमें क्या देखोगे कि एक पार्टिकल आएगा यहां टकराएगा और दूसरे को निकाल देगा, मतलब फोटोन आया टकराया इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ऐसा हुआ। अब सोचो ये काम कौन कर सकता है, ये काम एक पार्टिकल ही कर सकता है। जैसे कोई पार्टिकल फेंकेंगे वो पार्टिकल को टकराएगा और दूसरे को निकाल देगा, रीजन सुनिए, ये पार्टिकल एनर्जी लेके आया, वो एनर्जी इस पार्टिकल को ट्रांसफर हुई, वो लेके इसको निकल गया, डन। लेकिन अगर मान लो इसकी जगह कोई वेव आती तो वो पहले क्या हो जाती, इसमें एब्जॉर्ब होती, जो वेव आती वो इस सरफेस में एब्जॉर्ब होती, मतलब एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता, और जो यहाँ के पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को फिर लेते और फिर जाते। इसका मतलब अगर ये वेव आती तो एक टाइम टेकिंग होता, समझ रहे हो। तो पार्टिकल प्रूव करने के लिए ये वाला इफेक्ट आया। तो यहां पे मैं पढ़ रहा हूं कि लाइट जो है, लाइट उसकी ड्यूअल नेचर होती है, तो ड्यूअल में कौन कौन आया, पार्टिकल और वेव। बताना पार्टिकल कौन कौन सा पार्टिकल, फोटोन। वहां भी बताया था ईएम वेव्स में, ईएम वेव्स में भी ये डिस्कशन किया था कि पार्टिकल कौन सा है, फोटोन है, और यहां पे कौन सी है, ईएम वेव। ये हमने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कितने स्पीड से चल रहा है, 3 × 10^8, और यहां पे ये भी 3 × 10^8 से चल रहा है, डन। अब ये जो फोटोन थियरी आई, हमने पहले पढ़ा एक होता पार्टिकल नेचर, ये देखो यहां यहां लिख देता हूं, ये जो पार्टिकल और ये वेव है, इसको प्रूव करने के लिए आप अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में कौन कौन से फिनोमिना देखते हो, मतलब एक तरीके से मैं यहाँ फिनोमिना ना वर्ड यूज करके प्रोसेस वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि हम करवा रहे हैं। कैसे, एक होता है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ऐसे कि कौन सा, इन चार ऑप्शन दिए आपको और बोला कि बताइए इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो पार्टिकल नेचर को डिपिक्ट करता है, मतलब दिखाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको दिखाता है, पार्टिकल नेचर को। ऐसे ही होता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन किससे करवाया जाता है, एक्सरे से। ये नहीं पढ़ाया जाता, ये हायर क्लासेस में आता है, हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो है वेव, वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे आप अभी, यहां पे ना दो टॉपिक आएंगे, एक आएगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, और ये क्या आएगा, डिफ्रेक्शन, इसको डाइफ्रेक्शन भी बोल देते हैं लोग, और एक होता है पोलराइजेशन। ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी किसको दिखाती हैं, ये सारी की सारी किसको दिखाती हैं, वेव नेचर को, और ये किसको दिखाते हैं, पार्टिकल को। और हमारे को इसमें ये पढ़ना है और इसमें ये दोनों पढ़ने, ये भी तुम्हारा कट है। पहले पोलराइजेशन आता था, अब नहीं है, पोलराइड्स आते थे, रे को, जो रे आती है ऑप्टिक्स में वो रे को पोलराइज करते थे, हम वेव को पोलराइज करते थे, तो अभी वो नहीं पढ़ना। तो फोटोन थ्योरी में आपने क्या देखा कि पार्टिकल और वेव। दूसरा पॉइंट सुनिए, देखो अगर आपको कभी भी पार्टिकल नेचर प्रूव करनी है, सोचो तुम्हें इसके बारे में तो पता है ना, इसमें ऐसा ऐसा कुछ हुआ था जो अभी डायग्राम बनाया कि पार्टिकल आया टकराया और दूसरा पार्टिकल निकल गया, ये क्या है, एक इंटरेक्शन है। जहां इंटरेक्शन हो वो पार्टिकल नेचर दिखाते हैं, और जहां पे ट्रांसमिशन हो, ट्रांसमिशन मतलब एक से दूसरे में चली गई वेव, जैसे वेव आई थी यहां, वेव आई थी वो इस मीडियम में चली गई, एब्जॉर्ब हो गई, वो ट्रांसमिशन है, वो इंटरेक्शन नहीं है। तो जहां पे इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन ये वर्ड आ जाए कहीं पे भी, जिस भी प्रोसेस में ये दिखे वो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर। और जहां पे ट्रांसमिशन दिखे, ट्रांसमिशन देखो किसका होता है, ट्रांसमिशन वेव का, वो वेव नेचर दिखाएगा। ये मैंने तुम्हारे याद करने के लिए बताया है कि कभी भी जैसे मान लो कोई आपको बिल्कुल अननोन प्रोसेस दे दिया जाए, अननोन प्रोसेस जैसा, मतलब अननोन प्रोसेस का मतलब क्या है, मतलब आपको वो, आपने वो फिनोमिना या प्रोसेस कभी पढ़ा नहीं,
आपने बोला इसको थोड़ा सा ब्रीफ करो, आपने देखा कि जिस प्रोसेस में इंटरेक्शन हो रहा है चीजों का और किस में ट्रांसमिशन हो रहा है, इन दो वर्ड्स के बेस पे आप बता सकते हो कि वो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है कि वेव दिखा रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद जिसको उतारना उतार लीजिए, अभी एक बार टाइम दे रहा हूं, उतारो इसको फटाफट। अब यहां पे लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फोटोन। किसको पता है भाई फोटोन के बारे में? क्या क्या जानते हो? मासलेस होता है। कौन सा मास? जीरो। देखो जनरली ये दो लैंग्वेज यूज होती हैं कि ये मासलेस है, चार्जलेस है, ना इस पे कोई चार्ज होता ना कोई इस पे मास होता, लेकिन ये कौन सा मास नहीं है इसका? रेस्ट मास जीरो है। क्या मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? करता है। आप वेलोसिटी दो, मास बढ़ जाएगा, रिलेटिविस्टिक मास। इसका ये कौन सा जीरो है? रेस्ट मास जीरो। तो आप इसको पहला पॉइंट बना लो कि मासलेस पार्टिकल है, चार्जलेस है। अब इसके भी यहां पे बताओ, अगर ये चार्जलेस है, कोई चार्ज ही नहीं है, और मैंने इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा? नहीं करेगा। जब चार्ज ही नहीं है तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगी ही नहीं। क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है। कितनी लगाती है? क्यू ई। जब क्यू ही नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं करते। बाहर की इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इनको फेंकोगे ना, ये स्ट्रेट निकल जाएंगे, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो नॉट डिफ्लेक्टेड इन, नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डन। तीन में ये फोटोन किस स्पीड से चलते हैं? 3 × 10 की पावर 8। तो वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी इन स्पेस, स्पेस में ये 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से चलते हैं। और क्या ये फोटोन किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा? करेगा। देखो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही होना है, इधर ध्यान दो भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल आता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इसका मतलब जब भी फोटोन की किसी दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होगी तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने? वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर पार्टिकल्स, वो कोई भी है, तो आप क्या देखने को मिलेगा इधर कि एनर्जी भी कंजर्वड है और मोमेंटम भी कंजर्वड है। एनर्जी भी कंजर्वड है और मोमेंटम भी कंजर्वड है। क्लियर? और इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो? देखो एक ये जो पांचवा पॉइंट लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है कि लाइट डुअल नेचर की है, पार्टिकल भी और वेव भी है। याद रखना, पार्टिकल की एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। दो वर्ड बोले मैंने इस चैप्टर में ना, अगर आपने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में ढंग से पढ़ा हो तो जाके खोल के देखना, इसमें दो ही वर्ड मिलेंगे बार बार, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी। तो मैंने बोला है कि पार्टिकल पढ़ रहे हो आप, ये पार्टिकल है, इसकी एनर्जी अगर बतानी हो तो वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी, इंटेंसिटी डिसाइड नहीं करेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई रेडिएशन आई, जैसे लाइट आ रही है, तो लाइट में फोटॉन्स है ना, तो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होगी उसका फोटोन की एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? मैंने बोला पार्टिकल की एनर्जी, ऐसे लिखना, पार्टिकल की एनर्जी कौन बताता है? कौन सा फैक्टर? फ्रीक्वेंसी। कोई रीजन बता सकता है आप, या कोई कोई कनेक्शन दे सकता है इसका? एच न्यू फॉर्मूला पढ़ा है, ई इक्वल्स टू एच न्यू, सुना है ना? ई इक्वल्स टू एच न्यू, उसमें न्यू आता है वो एनर्जी, वो फोटोन होती है। तो आपने देखा एनर्जी न्यू पे डिपेंड कर रही है। अच्छा ये वेव की एनर्जी कौन बताता है? वेव की एनर्जी इज बीइंग डिसाइडेड बाय इंटेंसिटी, ये होता है। नेक्स्ट, जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे ही फोटोन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मतलब
जैसे मान लीजिए अभी फोटोन इस मीडियम में है और वो पानी में चला गया या किसी और मीडियम में चला गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। उसका रीजन, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे ही लैम्डा चेंज हो जाता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ अलग अलग होती है। आपने देखा है, अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लेमडा पढ़ा था। अगर मैं यहां से सी निकालू तो ये न्यू इंटू लेमडा, और मैंने मान लिया कोई मीडियम है तो मीडियम में स्पीड सी तो नहीं होती, कोई वी होती है। तो ये है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ना, तो वेलोसिटी इज समवेयर डिपेंडिंग ऑन लेमडा। ये क्वेश्चन है आपसे पूछेगा कि जैसे ही फोटोन दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि लैम्डा चेंज हो रहा है। लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। इफ मीडियम चेंजेस लैम्डा चेंजेस, इफ लैम्डा चेंजेस वी चेंजेस। क्लियर हो गई बात? तो मैंने कहा कि वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। क्यों? बिकॉज बिकॉज लैम्डा इज डिफरेंट। और इस फॉर्मूले का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की हम कैसे लिखते हैं, न्यू इंटू लैम्डा। तो ये न्यू इंटू लैम्डा, ये लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद हैशटैग बनाना, कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर टू। ये देखो, ये कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन है फोटोन के बारे में। जैसे आपको पता लग गया ये मासलेस होता है, चार्जलेस होता है, लेकिन कौन सा मास जीरो है? रेस्ट मास। चलेगा तो मास आ जाएगा इसके पास, जब ये मूव करेगा तो इसका मास। अच्छा, ये रिलेशन पता आप लोगों को? ये इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर देखा है? देखा है? ये एक ऐसा फॉर्मूला है, कभी आपने ऐसे ऐसे वर्ड सुने होंगे, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, टाइम डायलेशन, फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, कुछ ऐसी थ्योरी। स्टीफन हॉकिंग की किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, राइट? उसमें टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, इन चीजों का इसी के बेस पे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से रिजल्ट निकल के आता है कौन सा? इसका मीनिंग क्या पढ़ाया था मैंने? कभी पढ़ाया ये? मैंने कभी इस वर्ड को एक्सप्लेन किया, इस फॉर्मूले को? जब भी कोई मास सी की स्पीड से चलता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, यहां से मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। एक बच्चा था कुछ साल पहले, उसने मेरे से कुछ, सर आपने कहा कि कोई भी मास सी की स्पीड से चल रहा है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि मास भी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होके आती है। अगर मास एनर्जी बन गया तो मास भी एनर्जी ही था, तभी एनर्जी से एनर्जी आई कन्वर्ट होके। यस, जब मैंने इसको रिसर्च किया तो आप गूगल पे सर्च करोगे मास इज समवेयर डिफाइंड एज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका तुम्हारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, नॉलेज सेक के लिए बता रहा हूँ। कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब हमने देखा ये सी की स्पीड से गया तो ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये मीनिंग होता है। अब यहां से ना एक फॉर्मूला निकल के आता है एम का, एम नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। देखा होगा ये फॉर्मूला। ये क्या है? जब भी देखो, ये क्या है? रेस्ट मास। क्योंकि आपको मैंने बोला जैसे ही बॉडी चलेगी मास चलेगा, आवाज नहीं, मास चलेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना? तो हम क्या देख, सॉरी, वेलोसिटी आएगी तो मास बढ़ जाता है। ये रेस्ट मास था। जब मैंने इस पार्टिकल रेस्ट मास को क्या चलाया? वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये वी कितना है? वी पता नहीं, जिस भी स्पीड से हम फेंक रहे हैं, ये सी, मतलब हमने देखा वी वेलोसिटी थी तो इतना मास आ गया। ये रेस्ट मास अप्रोक्सीमेटली जीरो लिया जाता है ताकि न्यूमेरिकल हो जाए, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू निकल के आती है। बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी देने से इसको, इसका कितना मास हो गया? एम हो गया। मतलब पहले वैल्यू इतनी थी, अब इतनी हो गई, क्या देने पे? वी। और ये कैसा मास आता है? इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। दो वर्ड यूज होते हैं, दो वर्ड कौन से? एक होता है रिलेटिविस्टिक, होता है नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक उसको बोलते हैं जो सी की स्पीड से चलता है, मतलब जिसकी स्पीड कंपेरेबल हो इसके, सी के, दैट इज रिलेटिविस्टिक। और जो इसके कंपेरेबल नहीं है वो नॉन रिलेटिविस्टिक। याद रह जाएगा? किस
किस स्पीड को रिलेटिविस्टिक बोलते हैं? जो सी के आसपास है या सी है, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी बहुत कम है तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक की कैटेगरी में आता है। या तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर पहले सुनना भाई। मैंने अभी वहां क्या लिखा, रेस्ट मास जीरो है। आपने एक वर्ड तो पढ़ा रिलेटिविस्टिक, एक मैंने बोला नॉन रिलेटिविस्टिक, और नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है मतलब वेलोसिटी आने पर इसके पास मास आ रहा है, लेकिन रेस्ट मास इसका जीरो है। ये तो बाद की बात है, पहले तो ये रेस्ट मास इसका जीरो है ना। जिसका मास नहीं होता उसको वो मेटीरियलिस्टिक पार्टिकल नहीं होता। वर्ड बोला मैंने मेटीरियलिस्टिक, मेटीरियलिस्टिक वो होता है जिसका मास हो। तो किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि जो फोटोन है, फोटोन वो मेटीरियलिस्टिक पार्टिकल नहीं है। तो फिर क्या है आपको बोलना, ये एनर्जी का पैकेट है, ये सुनी होगी आपने, है ना। तो ये मेटीरियलिस्टिक पार्टिकल नहीं है, मेटीरियलिस्टिक पार्टिकल नहीं है। बट इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, और कितनी एनर्जी लेके चलता है ये, इक्वल्स टू एच न्यू, ये चलता है, सही है। एच कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इक्वल्स टू एच न्यू, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, एच सी बाय लेमडा। ये देखो इस फॉर्मूले में, ई के फॉर्मूले में लेमडा आ रहा है। अभी जब आप इस चैप्टर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे जाओगे, जिसने कहा कि वो पार्टिकल भी है वेव भी है, वो थियोरी का मोटिवेशन यहां से स्टार्ट होता है। जब आप इसकी एनर्जी ये बता रहे हो, सोचो ये जो लेमडा है, लेमडा क्या ये एक वेव की प्रॉपर्टी नहीं है भाई? कोई वेव पढ़ते हो आप तो वेव की वेवलेंथ पढ़ते हो ना आप, तो यहां क्यों आ रही है फिर ये, अगर ये पार्टिकल है तो? इसका मतलब ये जब चलेगा इसके साथ भी कोई वेव जुड़ी हुई है। पढ़ा है ना मैटर वेव, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, नोन एज डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव। तो ये यहां से समझ में आता है, एक ये हो गया। अच्छा इसका मोमेंटम कितना होता है, ये तो हो गया एनर्जी एक, दूसरा इसका मोमेंटम कितना आएगा, पी इक्वल्स टू एच बाय लेमडा। उनको बाद में देखेंगे आ कहां से रहे हैं, पी इक्वल्स टू एच बाय लेमडा, तो मोमेंटम ऐसे डिफाइन कर रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर टू, अच्छा पहले इसको पूरा कर लेते हैं। ये जो एच न्यू लिखा है, एच न्यू, एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, यस। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भरी, आपने क्या देखा यहां पे, एच और सी ऐसी वैल्यूज है जो सोल्व हो सकती है पहले ही, तो आपने उनको पहले ही सोल्व करके रख लिया। तो यहां पे कितना आया देखो, E की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, यही होती है ना इसकी वैल्यू, बाय में लेमडा। जब हमने सोल्व किया तो ये आया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रोम डिवाइडेड बाय लेमडा, ये आया। देखो ये वो वैल्यूज हैं जो न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगी। आप बार बार न्यूमेरिकल करते हुए एच नहीं भर सकते, सी नहीं भर सकते, आपने पहले ये निकाल लिया। इसका मतलब देखो ये आंगस्ट्रोम में क्यों लिखा मैंने, जो ऊपर सोल्व करके आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रोम में आया, तो ये लेमडा किस में लेना पड़ेगा, आंगस्ट्रोम में लेना पड़ेगा। क्यों? ताकि ये आंगस्ट्रोम आंगस्ट्रोम से कट जाए, और एनर्जी की यूनिट कितनी बचे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो यहां पे जो एनर्जी की यूनिट है मैंने पहले भी आपको समझाई थी, एक होता है ईवी, इसमें होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मतलब जूल, इतना जूल होता है। एनर्जी की और क्या यूनिट होती है, कैलोरी भी होती है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। एक यूनिट होती है 1 kWh, किलोवाट आर, इसमें होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जो चीजें बिखरी हुई है ना उनको एक जगह लिख लो ताकि काम आए,
अभी मैंने यहां पे एनर्जी ये यूज होंगी, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रोम की यूनिट वो क्या होता है, 10^-10 मीटर, ये पता होगा ना, 1 नैनोमीटर, पिकोमीटर, आंगस्ट्रोम, है ना, आंगस्ट्रोम, पिकोमीटर, और कौन होता है, फर्मी, सुना है कभी, फर्मी इज द साइज ऑफ, फर्मी इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, 10^-15 का ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये वैसे इसको फेमटो फेमटो करके कुछ बोलते हैं, 1 FM, हाँ, ये क्या आ गया, ये होता है 10^-9 मीटर, 10^-10 मीटर, 10^-12 मीटर और 10^-15 मीटर, ये, और इससे छोटा क्या होता है, माइक्रोमीटर, माइक्रो, माइक्रो में कितना होता है, 10^-6, 10^-6 मीटर। तो कन्वर्जन में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है पता तुम्हें, जूल सेकंड। ये देखो, ये जो इसकी यूनिट है ना, इसकी यूनिट ये जूल सेकंड में होता है, ये किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। पहले आंसर निकालोगे जूल में, और जूल को कन्वर्ट करके किस में आता है, एचसी की वैल्यू आती है 2×10^-25 जूल मीटर। अगर इसको जूल में लिखना है तो जूल में भी लिख लो, पहले देखो 2×10^-25 यह आया जूल मीटर, जूल मीटर। देखो क्या ये वैल्यू ऐसी नहीं लग रही जो इजी कर देगी कैलकुलेशन को, जब आप इस एचसी को सोल्व करो, एचसी को, ये एचसी की वैल्यू आ रही है। अगर ये जूल मीटर में आई तो लैम्डा भी किस में लेनी पड़ेगी, मीटर में। उस रिलेशन से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट करो तो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कितना होता है वैसे, 1/1.6, 6.25×10^18, बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है। एक कूलम पे कितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6×10^-19 कूलम, एनसीईआरटी का 10वीं क्लास का पहला क्वेश्चन कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो नीचे चला जाता है, जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इंटू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आंगस्ट्रोम में। उस टाइम पे आपको लैम्डा भी क्या भरना पड़ेगा, आंगस्ट्रोम में। समझ में आया, तो आगे से ये वाला फॉर्मूला कैसे पढ़ोगे, ये वाला फॉर्मूला तुम ऐसे पढ़ोगे, E=12400/λ, लैम्डा दिया हो तो एनर्जी आ जाती है, सही है। आपने अभी ईएम वेव्स में स्पेक्ट्रम पढ़ा, मैंने कहा था वो टेबल याद कर लेना, तो उस टेबल में आपने देखा था लैम्डा दिया हो तो एनर्जी भी आ जाती है। देखो जैसे मान लो मैंने माइक्रोवेव का लैम्डा दे दिया, तो माइक्रोवेव का लैम्डा जब आ गया तो माइक्रोवेव की एनर्जी भी आ गई। तो चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आप चीजें सॉल्व भी कर सकते हो बैठ के। तो 12400/λ, लेकिन ये पता होना चाहिए किस में आएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और लैम्डा इस टाइम पे किस में भरना है, आंगस्ट्रोम में, ये आ गया। उसके बाद एक होता है 1/HC। सपोज मुझे एक बात बताओ, एक तो ये लिख दिया मैंने, एक ये लिख दिया सॉल्व करके, और एक आपने पढ़ा E=HC/λ। सपोज आपको ई दे दिया, सॉरी ये एचसी जो है, आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि एचसी नीचे आ जाए, मतलब अगर ये 1/HC लिखोगे आप, पलटो इसको, ये 1/E, ये λ/HC, ऐसा बन गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये डिब्बा कैसे भी पलटा जा सकता है, ये वाला, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए एचसी, 1/HC की। अभी आपने एचसी सॉल्व कर लिया तो 1/HC कितना आएगा, ये आता है 5×10^24, इस वाली वैल्यू को याद रखिए। और ये कितनी आएगी, ये एचसी जूल मीटर में आ रही है, किसमें आएगा, अरे एचसी की वैल्यू इतनी आई है, 1/HC, मैंने इसी को पलटा है। जब आप सोल्व करोगे तो ये नहीं आएगा, पलट के देख लो इसको, 2×10^-25 को, तो ये आ रहा है। तो ये जूल इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब आपको न्यूमेरिकल में ये चीजें यूज करनी है, 1/HC कहीं भी आ जाए सीधा ये भर दो, HC आ जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो ये भर दो, और जूल में हो तो 2×10^-25 भर दो। आया समझ, तो लिख लेना इसको HC/λ को किस तरीके से सॉल्व करना है।
अरे एएमयू सुना है, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना केजी होता है? अच्छा एक चीज और, ये जो फॉर्मूला लिखा है, अगर तुम्हें कोई मास पता हो, अरे यार बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहे, अगर तुम्हें मास पता हो केजी में, तो एनर्जी नहीं आ जाएगी? यहां भर दो। अब अगर मैंने बोला 1 AMU, तो आपको पहले केजी में पता होना चाहिए। मास केजी में भरा जाता है, ये मीटर पर सेकंड में भरा जाता है, एनर्जी जूल में आ जाती है, आ जाएगी। तो अब यहां पे कुछ यूनिट्स जो हैं आपको यूज, ये रहा, मैं यहां लिख देता हूं, ये एक, ये दो, ये तीन। यहां पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। एक है ना, आपको बहुत बार ऐसा ऐसा दिखेगा, MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा? -13। मेगा में 10 की पावर 6 होते हैं, माइक्रो में -6 होते हैं। तो अगर इसको तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 की पावर -13 जूल हो गया एक। अच्छा एक आपको ये पता होना चाहिए कि 1 AMU में कितना केजी, जितना प्रोटॉन का मास होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -27 kg। डन। अब सुनिए, जब मैंने इस 1 AMU को इसमें भरा तो एनर्जी आ जाएगी। बार बार बोल रहा हूं, आज की क्लास में एक तो ये सीखा न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेशंस कैसे करनी है, 12 जूल में कैसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे, 1/hc कैसे। डन। दूसरा ये कन्वर्जेंस, यहां मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU में केजी देखे, अगर मैं इस इतने केजी को यहां भरूंगा तो जूल में आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा, 1 AMU को जब हमने सोल्व किया, ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आई। कर लो कन्वर्ट, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक में इतने हैं, तो 931 में कितने जूल होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो यहां से आया था, मैंने मेगा में कर लिया। तो कभी भी तुम्हारे सामने AMU आ जाए, उसको एनर्जी लिखना हो सीधा, तो 1 AMU में इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अगर इनके इनके अलावा कोई कन्वर्जन यूज होता है, मुझे भी बताना। मेरे एक्सपीरियंस से जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये जनरल स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। मोमेंटम आ गया h/λ, h की वैल्यू तुम्हें पता लग गई, 6.6 × 10 की पावर -34, और यूनिट क्या होती है? जूल सेकेंड। बोर्ड के पेपर में तो ये स्टैंडर्ड यूनिट दी होती है वैल्यूज, h की, एप्सिलॉन नॉट की, म्यू नॉट की, सब। चैप्टर समझ में आया? अभी फोटोन थ्योरी बताई, एनर्जी के बारे में बताया, मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल नहीं है, एनर्जी का पैकेट है। कितनी एनर्जी है? hc/λ। hc को सोल्व कर लिया, जूल मीटर में इतना आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आया, और 1/hc जब सोल्व किया तो इतना आया बस। और ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। आज इतना ही करते हैं, कल इसको रिवाइज करके आना।